नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लंबा, मेरे सहयोगी ने संदीप साथ मौजूद है झज्जर जिले के डीगल गांव में और बेरी विधानसभा क्षेत्र के जो अंतर्गत ये गांव आता है। और हमारे साथ अमित अहलावत मौजूद है। अमित भाई, बहुत बहुत स्वागत आपका जी। भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पहले मातृशक्ति का आशीर्वाद लिया, आज किसान मजदूर कमेरे वर्ग के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया है, लोगों का जब अच्छा समर्थन मिला, क्या कहें जी? देखिए, ये जो किसान कमेरा वर्ग है ये सम्माननीय वर्ग है, सम्मान करने लायक वर्ग है। तो आज बहुत बड़ी संख्या में इस वर्ग का जो है आशीर्वाद मुझे भी और आप सबको भी मिल रहा है, तो ये देख करके बड़ी खुशी हो रही है। कयास लगाए जा रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि टिकट तो हमारा अमित जो छोरा है उसकी पक्की है जमा। अभी बहुत समय है, अभी तो जो है ना ग्राउंड पर अपनी मेहनत करने का समय है, आगे जब वो समय होगा तो वो भी देखेंगे। हम नहीं कह रहे, आपके कुनबे के लोग कह रहे हैं। जी जी जी, जरूर। देखो, ये पूरा बेरी हल्का, ये पूरा मेरा कुनबा है, सबका प्यार मिल रहा है, सबका आशीर्वाद भरपूर मात्रा में हमने मिल रहा है। अच्छा, आपके जो कुनबे के लोग ये भी कहते हैं, अभी हम बातचीत कर रहे थे पीछे लोगों के बीच में, बुजुर्गों के बीच में, इस वर्ग का छोरा नहीं, और दूसरी बात है अच्छे काम कर रहा है, और जो गढ़ है कहता है कि बारे तोड़ेंगे, बड़े बदलाव का आगाज 52 गाँव ने कर दिया है, डिगल में शुरुआत होगी और बेरी विधानसभा क्षेत्र में पूरे में आपके और बदलाव निश्चित है। जी देखिए, इन्हीं बड़ों का जो है आशीर्वाद है, बदलाव जीवन का एक हिस्सा है। अगर हम किसी समय अनुसार अगर किसी चीज़ में बदलाव नहीं होता ना, तो वो चीज़ें लगभग नष्ट हो जाती है। तो इसलिए जीवन का नाम ही बदलाव है, तो अब बदलाव का समय है, सबके साथ और आशीर्वाद से ये सारी चीज़ें बदलेंगे। जी, एक सवाल और रहेगा छोटा सा, बिना बने इतना कुछ कर रहे हैं, कोई जो अपने पास आधिकारिक पद नहीं है, अगर बन जाते हैं, कल्पना करते बन जाते हैं, तो फिर क्या बदलाव? तो भी लोगों की सेवा करनी है और थोड़ा विस्तृत तरीके से करनी है, और भी मतलब थोड़ा और भी आसान होगा लोगों की सेवा करना, अच्छे काम करने हैं, लोगों के सामूहिक काम है, लोगों के पर्सनल काम है, यही काम अब करने हैं, अब भी यही करने हैं, बाद में भी जी, और थोड़ी ही ताकत के साथ काम करेंगे, जोश के साथ काम करेंगे। तो आपको अनुमान था पहले से, पिछली बार हमने बातचीत की, आपने कहा था 5 तारीख का प्रोग्राम हमारा देखना और वहाँ पर लोगों का समर्थन देखना, लोगों का प्यार देखना, तो क्या लग रहा है, जो उम्मीद की थी वैसा ही प्यार समर्थन मिला है आपको? जी देखिए, आपके सब आपके सामने है, छारा गांव से भी दोगुना यहाँ पर पंडाल है, सबका आशीर्वाद, पूरा का पूरा बेरी हल्के का आशीर्वाद, सबका प्यार यहाँ मिल रहा है। अमित भाई बहुत बहुत आपका धन्यवाद जी। क्या कहेंगे, कहाँ से आए हैं? बहुत बढ़िया। कहाँ से आए हैं, कौन से गांव से? डीगल। डीगल गांव। डीगल। क्या कहेंगे लड़के को लेकर? बहुत बढ़िया है, इतना ईमानदार लड़का कोई है नहीं, बहुत ईमानदार है और काम करने की नीयत है बहुत अच्छी, निस्वार्थ काम करने वाला लड़का है। खासियत है, मतलब पूरे हलके से इतनी बड़ी संख्या में लोगों का प्यार मिला, इसी की खासियत है। बढ़िया सिस्टम लग रहा है, बहुत बढ़िया सिस्टम, ये जो काम कर रहा है, ऐसा काम करने वाला हमने कोई लड़का देखा ही नहीं अभी तक। बहुत अधिक मतलब पहले भी बने हैं यहाँ पर, भाई एमएलए भी रहे हैं, सांसद भी रहे हैं, लेकिन इतना जो प्यार प्रेम से जो काम कर रहा है, पब्लिक के बीच में जाके, हर आदमी के बीच में जाके, और लोगों की जो सहानुभूति इसके प्रति है, वो ऐसी सहानुभूति हमने देखी नहीं, गांव-गांव घूम के भी देखा है, और गांवों में छारा में भी हम गए थे। कहते हैं कि बेरी में क्रांति की शुरुआत हो चुकी है। बिल्कुल हो चुकी है, क्रांति की शुरुआत हो चुकी है, क्रांति बड़ा बदलाव लाएगी। लाएगी भाई, बदलाव की उम्मीद रख रहे हैं हम सब, सब ये चाह रहे हैं बदलाव होगा, बदलाव होगा। जी क्या नाम है भाई? बबलू डागोची, हरियाणी कबड्डी कमेंटेटर। सुबह से देख रहे हैं किस प्रकार जोश में घूम रहे हो, मतलब इतना चाव, जब कोई घर में शादी होती है उस समय होता है, आप कितना चाव? बिल्कुल भाई, चाव है, और मैंने लगभग 400 पर सीवी भर रखी है गांव की, और ये उत्साह का काम है भाई, इतने पैसे अगला खर्चा कर रहा है अमित भाई अहलावत, उसका बार बार धन्यवाद है। क्या कहेंगे? कहते हैं कि उड्डा का गढ़ है, क्या लगता है उड्डा का गढ़? बताते हैं उड्डा का गढ़ टूटेगा अपनी बार? ऐसा भाई, जनता की भावनाएं होती हैं, यहाँ सच्चे पे गढ़ किसी का नहीं होता, गढ़ भी टूटे हैं, रायबरेली गढ़ होया करता। तो जनता की भावना तो पीछे तक दिखाई दे रही है, पूरा लंबा चौड़ा पंडाल दिखाई दे रहा है भाई। अमित जो है नया चेहरा है, नई उम्र का लड़का है, सच्चा लड़का है, ऊपर से भाई खर्चा कर रहा है, खर्चा उसी की होती है जो खर्चा करता है, नई सवार ऊपर साफ खर्चा कर रखा भाई ने, और बड़ा उत्साह भाई। 29 तारीख का जो छारा में होया उसमें भी 50,000 जनता थी,
तो कम से कम 50,000 जनता आ जाए यहाँ। अच्छा आप कमेंट्री करते हैं कबड्डी में, तो आप बोलते हैं कि ये वाइटिंगल का शेर है, किसी का आधा डाला। मैं यहाँ जब दंगल होता है कुश्ती का तो भी बोलता हूँ, ये मेरा गवांड है, मेरा अच्छी गाँव यहाँ से 5 किलोमीटर है, अहलावत खान का मेरा गाँव है। आपके आपके उसी अंदाज में दो बात अमित अहलावत के लिए बोली, वो चौरासा भाई अशोक कुमार का, अशोक कुमार अहलावत का छोरा है, डिगल इसका गाँव है, नी सवार छोरा है, और भाई दल खोल के खर्चा कर रखा है। भाई हम भगवान तो प्रार्थना करा जो छोरा जिस लगन तो लाग रहा उसमें जो कामयाब हो, हमारा प्यार और आशीर्वाद भाई अमित अहलावत के साथ। भाई इसने दिमाग सोचने पर लोगों को मजबूर कर दिया है, जो अपनी टिकट मान नहीं बैठे गए सबके दिलों में हलचल पैदा करती है अमित डिगल ने, और बेरी हल्के का सबसे बड़ा काम राजनीति के मायने बदल दिए कि राजनीति वास्तव में समाज सेवा के लिए। बिल्कुल भाई ये समाज सेवा है जो अमित अहलावत ने यहाँ सेवा करके मायने बदल दिए हैं। तो लगातार किसान मजदूर सम्मान मेले में जो है बेरी विधानसभा क्षेत्र और डिगल गांव में मौजूद अमित जो अहलावत उनके द्वारा कार्यक्रम किया गया है, और तमाम जो है बुद्धिजीवी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। जी क्या नाम है? मैं कृष्ण गहलोत हूँ, नजफगढ़ जिला, दिल्ली से जिला अध्यक्ष हूँ मैं। आप इतनी दूर से खींचे चले आए, ऐसे क्या विशेष प्रेम है? बहुत मेहनती लड़का है अमित, और इन्होंने बुलाया था तो आज इतने महत्वपूर्ण कार्यक्रम और शानदार कार्यक्रम में आना हुआ, और देख कर मन भी बहुत प्रसन्न है कि बहुत मेहनत जो अमित भाई ने की थी पिछले एक महीने से करा था, आज उसका नतीजा ये है के डीगल गांव में लगभग 15,000 से 20,000 तो कम से कम यहां पर अभी उपस्थित है, जो सरदारी है, जो मुखिया लोग हैं वो यहां पर उपस्थित हैं। मैं अमित को, उनकी पूरी टीम को सफल कार्यक्रम के लिए बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। जिस प्रकार से किसानों की सेवा भावना से ये लगे हुए हैं, वास्तव में बहुत ही सराहनीय कार्य है। जी रास्ते में क्या सोचते हो? कार्यक्रम होते रहते हैं, ये भी वैसा ही कार्यक्रम आमतौर पर जैसा होता है, लेकिन आपको उम्मीद थी कि वास्तव में इतना जबरदस्त, इतना भव्य कार्यक्रम होने वाला है? बिल्कुल उम्मीद थी, जिस प्रकार से अमित भाई पिछले लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं और लोगों के दुख सुख में और निस्वार्थ भाव से, चुनाव के दौरान तो सब लोग जाते हैं, सब नेता घरों में जाते हैं, लेकिन बिना चुनाव के और सेवा भावना से जिस प्रकार से अमित भाई कार्य कर रहे हैं, क्योंकि पिछले 29 तारीख को भी जो महिला सम्मान, नारी शक्ति सम्मान किया था मातृ शक्ति का, उसमें भी बहुत अच्छी संख्या थी, तो उससे भी देखने से लगता था आज अच्छा कार्यक्रम होना था। जी एक और सवाल रहेगा आपसे छोटा सा, अमित जो अहलावत है उसके कामों के चर्चे इतनी दूर दूर तक, तो क्या लगता है बेरी विधानसभा क्षेत्र की बार उनके कामों की जो पुकार वो सुनने वाला है? मैं मानता हूँ अच्छे कार्य सेवा भावना के किए गए कार्य कभी भी निस्वार्थ नहीं जाते, समय आने पर जरूर बेरी जनता की, बेरी की जनता, बेरा बेरी के बुजुर्ग मातृ शक्ति जरूर अमित को अपना आशीर्वाद रूपी समर्थन देंगे और इनको जरूर सफलता मिलेगी। तो अभी मंच पर मौजूद और तमाम जो है समाज सेवी, तमाम जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग यहाँ मौजूद हैं मंच के ऊपर, और दूर दूर तक नजर जा रही है, तमाम जो क्षेत्र के पंच, सरपंच जो है, पार्षद वगैरह, तमाम जो चेयरमैन वगैरह सभी मौजूद है, कोई भी जो है ऐसा व्यक्ति जो छुटा नहीं है जो इस मंच पर मौजूद ना हो। साथ ही विशेष चीज ये देखने को अभी ओम प्रकाश धनखड़ ने भी जो अपना पूरा समर्थन अमित को दे दिया है। जी क्या नाम? सूरजमान। सूरजमान जी क्या कहोगे आज के कार्यक्रम के? आज का कार्यक्रम बहुत तगड़ा कार्यक्रम है। हाँ। कहते हैं कि यहाँ की जनता बीजेपी के साथ नहीं, लेकिन आज जो देखने को मिल रहा है उस हिसाब से क्या मानोगे? ना बहुत बढ़िया है, साथ है, कौन कहता है कौन साथ, साथ है? नहीं है। हाँ। 30 साल से कांग्रेस का कब्जा, क्या लगता है अब की बार ये गढ़ टूटने वाला है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बीजेपी आएगी, कोई ऐसी बात नहीं, बिल्कुल कांग्रेस का गढ़, क्योंकि कांग्रेस के अंदर फूट है, क्योंकि किरण अलग है भाई, वो सुरजे वाला अलग है, तो इस तरह शहजा जो है वो अलग, सारी चीज ठीक है। अमित ने लेकिन क्या कहना चाहो आज जिस प्रकार किसान मजदूरों का सम्मान करे, हाल जिस तरह अमित अहलावत ने जो सम्मान किया है किसानों का, बहुत ही बढ़िया वो है, और इसको देख करके लगता है कि भाई शायद बीजेपी यदि टिकट देती है तो ये बन सकता है, यदि बीजेपी टिकट नहीं देती तो हमारे आइडिया से ये निर्दलीय लड़ेगा और निर्दलीय भी कामयाब होगा, कामयाब होगा, जनता साथ है, बिल्कुल जनता साथ, तनमंदन से, तनमंदन से आप भी साथ हैं, बिल्कुल साथ हैं, इसमें कहाँ जैसे जरूरत पड़ेगी वैसे मौजूद, बिल्कुल जरूर, ये समर्थन, ये प्यार प्रेम है। क्यों जी क्या कहोगे? भाई अमित के साथ साथ कितव्या जीराज नका का गल भवन है,
भाई अमित ने एक नंबर का प्रोग्राम कराया, लेडीज का भी इस जेंट का भी। और ऊपर तो फिर इतना सम्मान दिया पगड़ी बांध, बहुत सम्मान दिया भाई ने। भाई के साथ साथ भाई कंधे कंधा ला के लक्ष्मी साथ रहेंगे और बढ़िया मदद करेंगे और भाई जीतेगा 100% अच्छा भाई साहब मैं ये जानना चाहूँ, पीछे हमने लोगों से बातचीत की, वो कहते हैं कि बीजेपी ने हमेशा गलत प्रत्याशी को टिकट दी है इसलिए बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा, अब की बार कहते हैं अगर अमित को मिलती है तो नैया पार है, बिल्कुल सीट निकालेगा बिल्कुल। इतना भरोसा इतना विश्वास क्यों है आपको? बोले साथ है, बोले साथ है, पूरा हल्का साथ है कि साथ है, पूरा हल्का क्यों साथ है, क्या खासियत है इसकी? बढ़िया काम करे है भाई। आप सुबह से यहाँ बैठे हो, मतलब 6 घंटे हो गए आपको यहाँ पे, आप हिले नहीं यहाँ से, मतलब एक तरीके से गए तो पानी पीने के लिए नहीं उठे, तो कुछ ना कुछ खासियत तो जरूर है। बिल्कुल खासियत है, बिल्कुल बहुत बढ़िया काम करे हैं, ईमानदार लड़का है और मेहनत कर रहे हैं और कोई घमंड नहीं किसी तरीके का भी। अगर इसको बीजेपी गवर्नमेंट टिकट दे देती है तो इसके पूरे पूरे चांस बनते हैं, अगर दूसरा कोई कैंडिडेट बीजेपी से आता है तो उसके इतने चांस नहीं बनते जितने इसके बनते। सीधी सौ तोड़ की बात यह है, हाँ जी तोड़ की बात, तोड़ की बात यही है कि तोड़ की बात यह है, लोगों का मतलब सम्मान करता है अगला और कोई घमंड किसी तरीके का नहीं है, ईमानदारी से काम करता है, ये चीज़ें इसमें खासियत है, ये खासियत है कहीं ना कहीं, इसीलिए ये समर्थन मिल रहा है। हाँ इसीलिए इसको लोगों का समर्थन मिल रहा है। आप शुरू से अमित के साथ हैं, सोचा था कि जहाँ तक नजर जा रही है वहाँ तक लोग बैठे दिखाई दे रहे हैं, ऐसा है शुरू से जब से, मतलब ये नया था अभी आया ना अमित, तो अमित तो अभी आया है, पहले इस हल्के में अमित नहीं था, जो भी बीजेपी का दूसरा कैंडिडेट था वो था, अमित का नाम था, अभी आया है तब शुरू से, अभी आज नाम आया था अमित के साथ, अभी से हो गए, अभी नाम आया इसके साथ हो अभी से हम, तो पहले तो पार्टी दूसरी थी, दूसरा कैंडिडेट दूसरा था, मतलब अमित को टिकट नहीं देते तो फिर वही बात होगी, कादयानी कादयान होगा और कोई बात नहीं, क्यों? क्योंकि उसकी पकड़ तो है ही कादयानों के अंदर, लेकिन यदि अमित को टिकट देते हैं तो हमारे जो 14 गांव हैं इधर वाले सड़क से इधर वो पूरे पूरे अमित के साथ हैं, और फिर कादयान भी कुछ गांव ऐसे हैं जो कादयान के ये अहलावत के साथ हो जाएंगे। कहते हैं कि डिगल के साथ 52 गांव हैं जो साथ पूरा समर्थन देंगे, सब हो जाएगा, जब डिगल इतना बड़ा गांव है जब मिल करके चलेंगे ना तो सारा एक हो जाएगा। ये आज तक कहीं ना कहीं यही कमी रही है कि सही व्यक्ति को टिकट नहीं मिली, इसके कारण जो बार बार कांग्रेस जीत, विक्रम कादयान और कुछ नहीं, इसलिए जो है ना वो हारता रहा, वरना कादयान की तो कोई छवि ही नहीं, कादयान की तो कोई छवि नहीं है। हाँ जी क्या कहोगे अमित को लेकर? भाई अमित बढ़िया है, कह रहे हैं कि इतना जबरदस्त काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं, आज तक किसी ने नहीं कराया है, बिना कुछ होते हुए इतना कर रहे हैं, तो अगर कुछ बन गया फिर के? बिल्कुल सही बात है भाई, हम तन मन धन से सब तरह इसके साथ हैं, बिल्कुल साथ है भाई, बहुत अच्छा भरोसा है, कह रहे बढ़िया पक्ष नेता बदल जाए अगर रंग बदल जाए, ना क्या बदल जाए, जब बना मतलब बने यो इतना कर रहा है, बनने के बाद मतलब के कर कितने अच्छे काम करे, लड़कियों के स्कूल में हर स्कूल में वाटर कूलर लगवाए हैं, और ये बात ही बिल्कुल जायज है, पीने का पानी भी इतना खराब बच्चों को मिल जाए इन्हें वाटर कूलर भेज, लड़कियों को साइकिलें दी हैं जो 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर जो जाएगा जी, इन्हें साइकिल भिजवाई है, और यो किसानों के लिए देख लें कितना अच्छा मतलब वो कर रहा है, गरीब तबके का तो मसीहा है भाई, मसीहा ये मसीहा बता दिया है अमित अहलावत को, लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं ना, क्या नाम है? क्या कहोगे अमित को लेके? कहते हैं कि गरीब का मसीहा है, बहुत बढ़िया प्रोग्राम चल रहा है ये, पहले महिलाओं के लिए किया था सारा गांव, अब ये डीगल में कर क्या किसानों के लिए, किसान मजदूर ही है इस देश में तो मेरा वर्ग, बहुत अच्छा अमित भाई ने बहुत बढ़िया काम किया, मान के चले कि बदलाव का आगाज है, क्योंकि किसानों की जहाँ तक बात आती है तो किसान खेत का काम छोड़ के किसी भी नेता के लिए नहीं आता, लेकिन यहाँ इतनी बड़ी संख्या दिख रही है तो कहीं ना कहीं बदलाव है। हाँ किसानों ने अपने कृषि के यंत्र मिल रहे नाम में यहाँ इसीलिए बैठे हैं, विशेष प्रेम है अमित, हाँ बिल्कुल अमित से प्रेम है, अमित अच्छे अच्छे काम कर रहा है,
आगे और भी अच्छे काम करेगा, इससे देखते जाओ और भी अच्छे काम करेगा। और अब रोहतक झज्जर लोकसभा क्षेत्र के सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा पहुंच चुके हैं ओम प्रकाश धनखड़ जो है कार्यक्रम में आकर जो है अपना संबोधन देकर और कहीं ना कहीं अमित अहलावत को अपना समर्थन देकर पूरा जा चुके हैं। तमाम जो है लोग बीजेपी के बड़े पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद रहे हैं। और अब डॉक्टर अरविंद शर्मा रोहतक झज्जर लोकसभा क्षेत्र के सांसद वर्तमान बीजेपी की तरफ से वो पहुंच चुके हैं। और अब जो लास्ट सबसे बड़ा इनाम है ट्रैक्टर का, उसकी घोषणा इनके मुख से करवाई जाएगी। ये देखना होगा किसे ट्रैक्टर मिलने वाला है, ये भी बड़ी बात है। उस किसान की आंख मौज होने वाली, क्योंकि 9 लाख रुपए के करीब ट्रैक्टर आज उसको मिलने वाला है। और अरविंद शर्मा का बड़ा धूमधाम तरीके से ढोल नगाड़ों के साथ अमित अहलावत के द्वारा फूल मालाएं पहनाकर, पगड़ी पहनाकर और पुष्प कुछ भेंट करके जो है स्वागत और वेलकम किया जा रहा है कार्यक्रम के अंदर। किसान मजदूर सम्मान मेले के लिए तस्वीर देख रहे हैं, फूलों के गुच्छे भेंट करके, फूल मालाएं पहनाकर अमित अहलावत के द्वारा जो है ढोल नगाड़ों के साथ डॉक्टर अरविंद शर्मा का स्वागत किया गया। तो लगातार किसान सम्मान मेले मैं मौजूद है डीगल गांव में और लगातार किसानों को जो कसियां दी जा रही, कसियों का जो है वितरण शुरू हो चुका है। जी क्या नाम है आपका? बेदपाल जी। कौन से गांव से? एमपी मादरा जी। एमपी मादरा। हाँ जी। तो कसी मिल गई? हाँ कसी मिल गई जी। किसान का सबसे पहला औजार है जो किसान बनना इस समय सरता नहीं जी। सरता ही नहीं। हाँ जी बिल्कुल। पानी की निकासी करेगा तो किसान कसी जरूरी है जी। जरूरी है। हम इतने लेके क्या कहूंगा, इतना बढ़िया काम करने लगे। बहुत बढ़िया काम करे, या तो सबूत बालक सब कहो, हम तो बहुत बहुत धन्यवाद इसका जी। बहुत धन्यवाद। हाँ और भी बड़े बड़े इनाम निकलेंगे कईयों के अभी। हाँ जो बिल्कुल अभी शुरुआत हुई है। हाँ छोटी ये तो छोटी मोटी शुरुआत से, ये बड्डी लकड़ेगी उसमें और बहुत भाई का सही होगा। अपना बड्डी नहीं लिखड़ी? ना 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 कोई दुख नहीं, कोई दुख नहीं। अच्छा जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमेर सिंह। तो सुमेर सिंह जी लगातार कसिया वितरित कर रहे हो किसानों को? भाई यो किसानों के लिए मेला लगाया गया है और जो सामान है वो किसानों के लिए लाया गया है और लक्की ड्रा के माध्यम जिस जिस जो जिसका कर्म तेज है उसको निकल रहा है। जी जी जी। अच्छा इसमें लाखों लोगों में से छाट के आपने 1008 इनाम रखे हैं। 1008 इनाम है जिसमें ट्रैक्टर है, डम्फर है, एरो है, कल्टीवेटर है, कस्सी है, ओके है जी, स्प्रे मशीन है, छोटा इंजन है। छोटा इंजन है। हाँ जी। अच्छा ये सारी चीजें इसके अंदर है? इसके अंदर है। पहले 900 कस्सी हैं, कुल मिला के 1008 हैं। जिसके किस्मत खुलेगी, जिसकी किस्मत में होगा वो उसको मिलेगा। तो बारी बारी पहले कस्सी बांट रहे हैं, फिर ओके भाई इस तरह के नंबर लगेगा। बिल्कुल धीरे धीरे जी। तो ये बता दिया इन्होंने, कस्सियाँ हैं, ओके हैं, छोटा जो है इंजन है, साथ में स्प्रे मशीन है, कल्टीवेटर, हैरो, रोटावेटर और इस प्रकार जो डंपर है और ट्रैक्टर सबसे बड़ा इनाम जो 8-9 लाख कीमत का ट्रैक्टर बिल्कुल नया जो किस किसान के निकलेगा वो देखने वाली बात होगी कार्यक्रम के अंत तक। लेकिन लगातार कसिया वितरित की जा रही है, कहीं ना कहीं किसान खुश है क्योंकि सम्मान में अगर पेन भी मिलता है तो वो भी एक बहुत बड़ी बात होती है सभी के लिए। और लगातार जो है कसिया वितरित की जा रही हैं सभी किसानों को, मजदूरों को, किसान मजदूर सम्मान मेले का आयोजन अमित अहलावत डिगल की तरफ से आज डिगल गाँव में किया गया, बेरी विधानसभा क्षेत्र और झज्जर जिले में। जो औजार है कस्सी का है किसान के लिए, इसलिए सबसे पहला सम्मान जो है हमारे दिल्ली से मलाडा से पार्षद भाई किशन गहलोत जी हमारे बीच में पहुंचे हैं, उनका भी मंच की तरफ से हार्दिक स्वागत है, सम्मान है। ये भाई किशन गहलोत जी निश्चित हो चुके हैं जो हमारे पार्षद हैं, अभी बैठक हो रहे हैं भाई सम्मान।